ಲಲ್ಲಕ್ಕ ನೋಡಿವ ನರದ ನೋಡಿವ ನರದ ಹಾ ಲಲ್ಲಕ್ಕ ನೋಡಿವ ನರದ ನೋಡಿವ ನರದ ಹೇ ಹೇ ದನರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗಣ್ಣೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗಣ್ಣೆ ದನರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗಣ್ಣೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆ ಕುಗನಲ್ಲ ಶೇಷಂಬಗ ಮಮ ದಾರಗ ಗೋಬೊಬ್ಬೊ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆ ಕುಗನಲ್ಲ ಶೇಷಂಬಗ ಮಮ ನಾರಗ ಗೋಬೊಬ್ಬೊ ದೇಶಂ ದಾರೋ ರಾಜ ದೇಶಂ ತಾರಾರೋ ರಾಜಕುಮಾರಗ ದೇಶಂ ದಾರೋ ರಾಜ ದೇಶಂ ತಾರಾರೋ ರಾಜಕುಮಾರಗ ये पेस्ट को आपको क्या करना है, ये पेस्ट को एक डब्बे में भर के रखना है आपको, और ये पेस्ट आपको रात के टाइम पे ही लगाना है, पूरे दिन आपको नहीं लगाना है। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, अगर आपका स्किन बहुत ही रफ है तो आपको क्या करना है, रोज़ वाटर के साथ ये पेस्ट बना के आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है और सूख जाने के बाद वॉश कर दीजिए। और अगर आपका फेस बहुत ही ऑयली है तो आपको क्या करना है, वो पेस्ट के अंदर दूध और लेमन मिला के आपको ये पेस्ट बना के और अपने फेस पे अप्लाई करना है और सूख जाने के बाद आप इसे वॉश कर दीजिए। इससे आपके एक्ने, जो भी आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, सारी अच्छे से रिमूव हो जाएगा और आपको खुद रिजल्ट नज़र आएगा। थैंक यू सो मच। आपको लेना है एक बाउल जो कि बहुत ही क्लीन, एकदम अच्छे से क्लीन हो। उसमें डालना है एक चम्मच बेसन सिर्फ फेस पे लगाने के लिए, तो जितना आपके फेस पे आप अप्लाई कर सको उतना आपको बेसन लेना है। उसके अंदर आपको डालना है कोकोनट ऑयल, जो भी कोकोनट ऑयल आप यूज़ करते हो अपने बालों पे, वो वाले कोकोनट ऑयल आपको डालना है 2 ड्रॉप। उसके बाद आपको डालना है रोज़ वाटर, और वो पेस्ट आपको रोज़ वाटर से बनाना है। ओके, अब वो पेस्ट को देखना ना ही एकदम पतला हो, उसको इतना थिक बनाओ कि वो अच्छे से अप्लाई हो जाए फेस पे। एकदम थिक पेस्ट बनाओ। थिक पेस्ट बनाने के बाद अप्लाई कर दो। अब मैंने ये लगाया है, सूखने का वेट करते हैं। सूख गया और अब देखो ग्लो। थैंक यू। Kisa dil cheez di problem kai ne log they see me as a problem samajh na aave mainu ki the problem I give them a cure with a fresh new album I'm a writer oh my god zinda karti hai bandi tu bedardi hai sakti mein bhi kardi hai जाने मेरी मैं तेरी हाँ हाँ जी तेरी तू कर ले यकीन मैनू प्यार है बस